टमाटर में नर्सरी प्रबंधन। मुख्य खेत में बेहतर और समान फसल वृद्धि के लिए बेहतर नर्सरी प्रबंधन आवश्यक है। नर्सरी प्रबंधन। नर्सरी में 10 ग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट और गाय का सड़ा गोबर 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से डालें और मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। 10 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेड पर क्यारियां बनाई जानी चाहिए। बीज बोने से पहले बीजों को मैंगोजेट 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए ताकि बीज जनित फफूंदी रोगों से बचा जा सके। पौधों का रस चूसने वाले कीटों से सुरक्षा के लिए बीजों की इमिडाक्लोप्रिड 70 WG 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। यदि बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित किया जाता है तो पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशक और फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा के क्रम में प्रयोग करना चाहिए। उपचारित करने के बाद पंक्तियों के बीच 5 से 6 सेंटीमीटर और बीजों के बीच 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर बीज बोएं। बीज बोने के बाद क्यारियों को सड़ी हुई खाद से ढक दें और छिड़काव द्वारा हल्की सिंचाई करें। क्यारियों को पुआल से ढक दें और बीज के अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे हटाना शुरू करें। डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारियों को कम करने के लिए क्यारियों को बोर्डेक्स मिश्रण 1% या मेटालिक सिल्क 72% घुलनशील चूर्ण से घोल बनाकर भिगो दें। ध्यान देने योग्य बातें। उन्नत किस्मों का चयन करें। जलवायु। टमाटर के बीजों का 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी अंकुरण होता है। बीज मात्रा। ओपन पॉलिनेटेड किस्मों या देसी किस्मों में 140 से 160 ग्राम बीज प्रति एकड़ एवं संकर जातियों में 80 से 100 ग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। रोपाई। टमाटर के पौधे 21 से 25 दिन में रोपाई योग्य हो जाते हैं।